नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल वेमुरी मूर्ति हिंदी टू तेलुगु स्पोकन क्लास में स्वागत है, दिल के साथ स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, रोज कहीं ना कहीं घर में हो, बाहर में हो, जहाँ पे तेलुगु लोग होते हैं उनसे हम तरह तरह के वाक्य प्रयोग करते हैं दोस्तों, उन्हीं में से मैंने कुछ वाक्यों का प्रयोग किया है दोस्तों, जो कि सब अलग अलग है दोस्तों, जो कि आप लोगों को सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं हर दिन एक ही शब्द की सहायता से अनेकों वाक्य बनाकर आपको सिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ ये छोटे छोटे वाक्य हैं वो भी आप सीखें, क्या मालूम आप कहीं ना कहीं इन वाक्यों का उपयोग हो पाए। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आज का वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल है तो जरूर इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन दोस्तों, जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें दोस्तों, जिससे मेरे सभी अपडेट्स आपकी स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों, अपनी वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। सुधीर आपसे बात करना चाहता है। सुधीर मी तो మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు। सुधीर मी तो మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बात करना चाहता है, बात करना चाहता है, मतलब इन शब्दों को चार रूपों में अलग अलग बांट के यहाँ पे बताया गया है, परंतु तेलुगु में यहाँ पे मैंने एक शब्द में इसकी पूर्ति की है दोस्तों, क्योंकि इन शब्दों को मिलाकर ये एक शब्द में ही बना है, लेकिन इनमें जो अक्षर होते हैं थोड़े ज्यादा है। जैसे మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు, क्या कहा दोस्तों, మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు। सुधीर आपसे मी तो बात करना चाहता है। మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు। दोस्तों, अगर आपको बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे साथ प्रोनाउंस कर सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार से మాట్లాడాలనుకుంటున్నాడు। इस प्रकार से अगर आपको बात नहीं करना है या बात करना नहीं चाहते होंगे तो क्या बोलेंगे, आप ऐसे ही बोलेंगे, मैं आपसे बात करना नहीं चाहता हूँ। నేను మీతో మాట్లాడాలనుకోవటం లేదు। మాట్లాడాలనుకోవటం లేదు। जैसे पहले सेंटेंस में बताया था ना दोस्तों, जो शब्दों को अलग अलग करके थोड़ा बड़ा दिख रहा था, लेकिन इस वाक्य में भी उसी प्रकार में ही बताया गया है, थोड़ा नेगेटिव सेंस में है दोस्तों। जैसे మాట్లాడాలనుకోవటం లేదు, क्या कहा दोस्तों, మాట్లాడాలనుకోవటం లేదు। నేను మీతో మాట్లాడాలనుకోవటం లేదు। दोस्तों, वीडियो के अंत में आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, जो कि आज का जो विषय है, विषय क्या है दोस्तों, डेली यूज सेंटेंसेस, मतलब कुछ अलग ही होगा दोस्तों, इन वाक्यों से कोई समानांतर नहीं होगा। मैं भी जानूंगा ना कि आप लोगों ने कितने ध्यान से अभी तक मेरे वीडियोस को देखा है और सीखा है, और आज का जो सवाल है उसका उत्तर भी सटीक मुझे दिया है। तो चलिए अपनी वीडियो को फटाफट आगे बढ़ाते हैं। आप हर एक बात को गलत साबित करते हैं। మీరు ప్రతి ఒక్క మాటని తప్పు అని నిరూపిస్తారు। మీరు ప్రతి ఒక్క మాటని తప్పు అని నిరూపిస్తారు। లేకిన్ మే ఆప్కో సచ్ సాబిత్ కరుంగా। కానీ నేను మీకు నిజం నిరూపిస్తాను। లేకిన్ కానీ మే నేను ఆప్కో మీకు సచ్ సాబిత్ కరుంగా నిజం సాబిత్ కరుంగా నిరూపిస్తాను కానీ నేను మీకు నిజం నిరూపిస్తాను ఆప్కి నజర్
मुझ पर है, आपकी नजर मुझ पर है, मी दृष्टि ना मीद उंदी, मी दृष्टि ना मीद उंदी, आपकी नजर मी दृष्टि मुझ पर है ना मीद उंदी, मी दृष्टि ना मीद उंदी, आपकी नजर मुझ पर क्यों है, आपकी नजर मुझ पर क्यों है, मी दृष्टि ना मीद एंदुकुंदी, मी दृष्टि ना मीद एंदुकुंदी, आपकी नजर मी दृष्टि मुझ पर ना मीद क्यों है, एंदुकुंदी, मी दृष्टि ना मीद एंदुकुंदी। चलो जल्दी काम खत्म करते हैं, चलो जल्दी काम खत्म करते हैं, पदंडी तोंदरगा पनी पूर्ति चेद्दाम, पदंडी तोंदरगा पनी पूर्ति चेद्दाम, चलो पदंडी जल्दी तोंदरगा काम पनी खत्म करते हैं, पूर्ति चेद्दाम, पदंडी तोंदरगा पनी पूर्ति चेद्दाम। चलो सब मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, चलो सब मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं, पदंडी अंदरू कलिसी ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుందాం, पदंडी अंदरू कलिसी ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుందాం, चलो पदंडी सब अंदरू मिलकर कलिसी एक दूसरे से ఒకరితో ఒకరు बातचीत करते हैं, మాట్లాడుకుందాం बात करते हैं, మాట్లాడుకుందాం पदंडी अंदरू कलिसी ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకుందాం। सीखने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, सीखने के लिए उम्र की जरूरत नहीं है, నేర్చుకోవడానికి వయసు అవసరం లేదు, నేర్చుకోవడానికి వయసు అవసరం లేదు, सीखने के लिए నేర్చుకోవడానికి उम्र వయసు जरूरत नहीं है, అవసరం లేదు, నేర్చుకోవడానికి వయసు అవసరం లేదు। आप हर बात के बीच में क्यों आते हैं, आप हर बात के बीच में क्यों आते हैं, मीरु प्रति ఒక్క మాట మధ్యలో ఎందుకు వస్తారు, మీరు ప్రతి ఒక్క మాట మధ్యలో ఎందుకు వస్తారు, आप మీరు हर एक बात के बीच में, हर एक प्रति ఒక్క बात के మాట बीच में మధ్యలో क्यों आते हैं, ఎందుకు వస్తారు, మీరు प्रति ఒక్క మాట మధ్యలో ఎందుకు వస్తారు। तो दोस्तों यही अपना आज का वीडियो है, जो कि हम रोजाना कहीं ना कहीं इस प्रकार से बात करते हैं। दोस्तों इस तरह का अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और मैं कुछ अलग अलग कलेक्शन करके आपके सामने लेकर ही आऊंगा। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों सवाल पूछता हूँ, देखता हूँ कि आप लोग कितने ध्यान से इस वीडियो को देखे हैं और अपने दिमाग से मेरे इस सवाल का जवाब देते हैं। तो चलिए आज का मेरा सवाल है, किताबों को सजा कर रखो, किताबों को सजा कर रखो, यही मेरा आज का सवाल है। दोस्तों गलत होने से उत्तर दीजिए, दोस्तों कोई बात नहीं है, अगर आप गलत बताते हैं तो मैं जरूर उसको सही करके आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। तो ठीक है दोस्तों अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, आज का वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट दीजिएगा, और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें और ऑल पर क्लिक जरूर करें दोस्तों, जिससे मैं सभी अपडेट्स आपके स्क्रीन में आते रहें। तो चलिए दोस्तों मैं अभी आप लोगों से विदा लेता हूँ, आप सभी को मेरा नमस्कार।